असलमकुम हाई गाइज़ वेलकम टू माई चैनल आप लोगों में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे कुछ लोग मुझे नहीं भी जानते होंगे दिस इज़ आसिया कश्मीरी और आप मेरे न्यू YouTube चैनल पर आए हो जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ प्लीज़ शेयर करके मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए आई टॉमि कि आप लोगों को इस चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बिकॉज यहाँ पे मैं बेसिक से लेकर वाइडल तक के सारे मेकअप सिखाऊंगी इनफैक्ट जो मेरे डिक्रेशन लुक्स होते हैं वो भी आपको यहाँ पे डिटेल में देखने को मिलेंगे नहीं ज्यादा आपका टाइम लेते हुए हम लोग अपने फर्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्रिश्चन राय सबसे पहले हम आईब्रो फिलिंग से स्टार्ट करेंगे उसके बाद एक लाइट शेड का कंसीलर लेके हम आईब्रोज को डिफाइन करेंगे आईज पे बेस अप्लाई किया ब्राउ बोन पे हाईलाइटर अप्लाई किया उसके बाद नौची पैलेट लिया हमने हुदा ब्यूची कहा और सॉफ्ट ब्राउन कलर लिया है क्रीज पे देन डार्क ब्राउन कलर लिया डेप्थ के लिए और सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर रहे फ्लावर पावर शेड लिया इसी पैलेट से और हमने आईलेट पर लगाया हम कोई ग्लिटर वगैरह अप्लाई नहीं कर रहे लुक को बहुत ही सिंपल रखा है गाइस अगर आपके पास ये पैलेट नहीं है तो आपके पास सिमिलर दिखने वाले जो भी शेड्स है वो आप यूज़ कर सकते हो देन हमने नेविया लाइट मॉइस्चराइज़र लिया है और फेस को हम मॉइस्चराइज़ कर रहे हैं दिस इज़ अ मस्ट स्टेप आप स्किप नहीं कर सकते आपका कोई भी स्किन टाइप हो ऑयली ड्राई कोई भी स्किन टाइप हो आपको फेस पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है उसके बाद नाइका का हमने प्राइमर यूज़ किया है और फेस पे हम प्राइमर अप्लाई करके उसको ट्वेंटी टू थर्टी सेकेंड्स के लिए छोड़ देंगे इसके बाद हमने मैक का प्रिपिल प्राइम सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है फेस पर थोड़ी देर उसको हम ड्राई होने छोड़ देंगे हमने क्राइलॉन का डर्मा का डी थर्टी शेड लिया है और फेस पे जो भी डिस्कलरेशन का प्रॉब्लम होता है जैसे डार्क सर्कल्स ब्लैक स्पॉट्स पिगमेंटेशन वो इन सारी चीज़ों को करेक्ट करने में हेल्प करता है तो हम इसे फेस पे अप्लाई करेंगे उसके बाद डैबिंग मोशन में हम उसको फेस पे ब्लेंड कर देंगे बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है गायब नहीं करना है उसको विजिबल होना चाहिए तभी कलर करेक्टिंग प्रॉपरली होगी गाइस ये हमारा वीडियो थोड़ा मिनी ट्यूटोरियल टाइप का है नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो पक्का प्रॉमिस एकदम डिटेल्ड होगा सारी टिप्स ट्रिक्स एंड टेक्नीस और सारे प्रोडक्ट डिटेल्स उसमें आपको दिए जाएंगे हमने फॉरेवो फिफ्टी टू के फाउंडेशन के दो शेड्स लिए हैं उसको फेस पर अप्लाई करके हम डाबिंग मोशन में उसको ब्लेंड कर रहे हैं डरने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है अभी आपको लग रहा है फेस थोड़ा सा व्हाइट या अन नैचुरल है बट आप धीरे धीरे देखोगे कि फाउंडेशन एकदम अच्छे से फेस पे सेट हो जाएगा और एकदम ही नेचुरल लगेगा उसके बाद फायलॉन के हमने दो कंसीलर लिए हैं और हम उसको हाईलाइटिंग एरियाज़ पर लगा के डाबिंग मोशन में अगेन ब्लेंड कर देंगे फेस को हाईलाइट करने के लिए गाइज मेकअप uh, का पूरा प्रोसेस आप देखते रहिए उसके बाद ही आपको पूरा ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आएगा फिलहाल हो सकता है आपको लगे कि बहुत ज़्यादा अननेचुरल है बट एंड रिजल्ट देख के आपको पता चलेगा कि नहीं ये मेकअप पूरा सेट हो चुका है सब कुछ होने के बाद ही मेकअप अच्छा लगता है एंड में लिपस्टिक कंप्लीट होने के बाद आप रिज़ल्ट देखेंगे इसके बाद हम पाउडर कंट्रोल contour करेंगे कंट्रोलिंग करने से आपके फेस के फीचर और ज़्यादा एनहांस हो जाते हैं फेस आपका लिफ्टेड लगता है इन शेप लगता है टू टू थ्री शेड्स डार्कर शेड्स हम फेस कंट्रोल करेंगे तो गाइज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर सजेस्ट कर सकते हो कि आगे आपको किस टाइप के मेकअप वीडियोस देखने हैं उसके अकॉर्डिंग हम और भी वीडियोस बनाएंगे फिलहाल हम जॉ लाइन पर कॉन्ट्रोल करने जा रहे हैं अगर आपको डबल चिन है या जॉ लाइन और शार्प दिखानी है तो कॉन्ट्रोल का शेड जॉ लाइन पर अप्लाई करके उसको नीचे की तरफ हम ब्लेंड कर देंगे इसके बाद हम चीक्स पे ब्लश लगाएंगे तो हम बेनिफिट का ब्लश ले रहे हैं और चीक्स पे उसको अप्लाई कर रहे हैं अब हम फेस को बेक करेंगे यानी कि हम फेस को सेट करेंगे पाउडर से क्राइलॉन डर्मा का हमने फिक्सिंग पाउडर लिया है पी फाइव और अप्लाई करके थोड़ी देर के लिए हम उसको छोड़ देंगे अब हम आईलाइनर लगाएंगे मुस्कान को मोटे लाइनर बिल्कुल नहीं पसंद है तो हमने बहुत पतला सा लाइनर लगाया है और इसके बाद हम आइस पे लैश अप्लाई करेंगे ग्लू लगाने के बाद हमने आइज़ पे लाश अप्लाई किया है और अब दोनों आँख पे लाश लग चुकी है इसके बाद एक्सेस पाउडर को हम डस्ट कर देंगे एंड देन नोज़ को कंट्रोल करेंगे ताकि नोज़ हमारी और शार्प हो जाए ब्रिज ऑफ द नोज़ पे हाइलाइटर लगा दिया फोर्थ हेड पे भी लगाया है ताकि हमारा बहुत ज़्यादा वो शाइनी ड्यू लुक आ जाए उसके बाद इनर आई कॉर्नर पर भी हमने हाइलाइटर लगाया है जो भी अंडर आइज़ के नीचे एक्सेस पाउडर था उसको हम डस्ट कर देंगे उसके बाद हम लोअर लास्ट लाइन कंप्लीट करेंगे हमने शेड एजियोर लिया है उसके बाद अगेन शेड नॉटी लिया है और अंडर आइज को कंप्लीट कर दिया है फिर दो न्यूड मेबलिन सुपर स्टे की लिपस्टिक्स हमने ली है और हमने एक शेड बनाया है और लिप्स को कंप्लीट किया है टणा